Now to the city of Pune. In a shocking incident, activist Trupti Desai allegedly attacked Bhaben Saikia, the accused in the murder of Infosys employee Raseela Raju, who was found strangled at the Infosys office in Pune. Now, Saikia was heckled by Trupti Desai and other women activists when he was being produced before the court in Pune on Tuesday following police custody. The cops, however, prevented Desai and others from getting close to him. Saikia has been remanded to judicial custody till February 21st by the local court. इंजीनियर महिला का जो है वो मर्डर पिछले हफ्ते में हुआ. हमें लगता है कि महिलाएं जो है वो असुरक्षित है इंडिया में, और हर रोज जो घटनाएं घट रही है आप देखेंगे तो भारत में हर एक घंटे में एक बलात्कार हो रहा है. पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, होम मिनिस्ट्री कुछ काम नहीं कर रही है, और हमारे जो कानून है वो इतने कम है कि कोई फांसी की सज़ा भी नहीं दे रहा है. आज कोपरडी का बलात्कार हुआ तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर जो है वो आरोपी को जो है वो फांसी की सज़ा होगी. 13 जनवरी को 6 महीने कंप्लीट हो गए लेकिन आरोपी को फांसी की सज़ा भी नहीं हुई. तो कहीं ना कहीं ये जो गुंडागिरी है वो आगे बढ़ रही है. तो हम जो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारा कानून पे विश्वास है और सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम काम भी करते हैं, लेकिन महिलाओं को अभी एक्शन में उतरना होगा अपने खुद के संरक्षण के लिए. और हमारी जो ब्रिगेड है भूमाता ब्रिगेड, मुझे लगता है हम ताईगिरी के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएँ होगी, हमें लगता है ऐसे एक्यूज को अगर हम वहाँ पर जाकर अगर महिलाएं खुद रक्षण के लिए अगर उसको मारेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो कम भी होगी. यू कैन वॉच लाइव टीवी ऑन आवर वेबसाइट mbnow.in. फाइंड अस ऑन फेसबुक एट facebook.com/magicbricksnow. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर एट magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.